तो हम कंटिगियस मेमोरी एलोकेशन में देख रहे थे मल्टीपल पार्टीशन मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम। मल्टीपल पार्टीशन में हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया फिक्स्ड और स्टैटिक पार्टीशनिंग। उसमें हमने देखा इंटरनल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम थी कि इंटरनल फ्रेगमेंटेशन प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए या जो भी ड्रॉबैक्स थे पार्टीशनिंग टेक्निक्स के, जो भी ड्रॉबैक्स थे उनको रिमूव करने के लिए नेक्स्ट स्कीम जो यूज़ हुई मल्टीपल पार्टीशनिंग की, वो थी वेरिएबल और डायनामिक पार्टीशनिंग। तो हम देख रहे हैं वेरिएबल और डायनामिक पार्टीशनिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग विथ वेरिएबल नंबर ऑफ टास्क। इन वेरिएबल पार्टीशनिंग पार्टीशंस आर नॉट मेड बिफोर द एग्जीक्यूशन और ड्यूरिंग सिस्टम कॉन्फिगर। तो जैसे फिक्स्ड पार्टीशनिंग में क्या हो रहा था, जब आप सिस्टम कॉन्फिगर करते हो उसी टाइम आप मेमोरी को वेरियस पार्टीशंस में डिवाइड कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे उसको रन टाइम पे, एग्जीक्यूशन के टाइम पे जो है डिवाइड करेंगे पार्टीशंस में। यहाँ पर सिस्टम कॉन्फिगर करते टाइम मेन मेमोरी को पार्टीशन नहीं किया जाएगा। इनिशियली मेन मेमोरी इज एम्प्टी एंड पार्टीशंस आर मेड ड्यूरिंग दी रन टाइम अकॉर्डिंग टू प्रोसेस नीड। तो इनिशियली मेन मेमोरी एम्प्टी रहेगी, उसमें सिर्फ ओएस स्टोर रहेगा और बाकी जैसे जैसे प्रोसेस आती जाएंगी वैसे वैसे पार्टीशंस क्रिएट होते जाएंगे रन टाइम पे। तो साइज ऑफ पार्टीशन विल बी इक्वल टू इनकमिंग प्रोसेस। जिस साइज की प्रोसेस आएगी, जैसे ये वाला हम एग्जांपल देखें तो हमारी मेन मेमोरी में ओएस स्टोर था 50 KB पे और ये 1000 KB की मेमोरी थी, तो 950 की फ्री मेमोरी थी, यानी पूरा होल था। ठीक है, फ्री मेमोरी मतलब यहाँ पर होल टर्म यूज़ कर रहे हैं। तो जैसे ही 60 KB की प्रोसेस आई तो इसको कितनी रिक्वायरमेंट है 60 KB की, तो 60 KB का पार्टीशन इसको अलोकेट हो जाएगा। तो यहाँ पर अब इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होगा क्या? नहीं, जितनी प्रोसेस को रिक्वायरमेंट थी उतनी ही मेमोरी उसको अलोकेट की है, तो इससे क्या होगा, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन रिमूव हो जाएगा जो फिक्स्ड पार्टीशनिंग में हो रहा था। तो यहाँ पर जिस प्रोसेस की जितनी नीड होगी उतनी ही उसे मेमोरी असाइन होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी। तो जैसे इसमें 60 KB की एक प्रोसेस आई, उसको उतनी मेमोरी अलोकेट हो गई, अब ये मेमोरी फ्री है। फिर बी आई प्रोसेस, इसको 50 KB की मेमोरी रिक्वायरमेंट थी तो उसको 50 KB की दे दी गई। अब सपोज करो ए कंप्लीट हो गई, तो ए कंप्लीट हो गई तो क्या होगा, ये 60 KB की मेमोरी यहाँ पर फ्री हो जाएगी। अब यहाँ पर 60 KB का एक पार्टीशन बन गया है। अब अगर कोई प्रोसेस 60 KB की या 60 KB से कम साइज़ की आएगी तो उसको ये पार्टीशन अलोकेट हो जाएगा। ठीक है, तो अब सपोज करो अब हमारे पास कितनी फ्री मेमोरी है, 60 KB प्लस 840 KB यानी 900 KB की मेमोरी फ्री है। अब सपोज करो प्रोसेस ऑफ साइज 850 KB की आई, 850 का पार्टीशन है क्या यहाँ पर? नहीं है, तो इट कैन नॉट बी स्टोर्ड इन मेमोरी बिकॉज कंटिग्यूस साइज ऑफ 850 KB इज नॉट अवेलेबल इन मेन मेमोरी। अब क्योंकि इसमें 850 साइज का कोई कंटिग्यूस ब्लॉक नहीं है, क्योंकि हम कौन सी स्कीम पढ़ रहे हैं, कंटिग्यूस मेमोरी एलोकेशन मेथड पढ़ रहे हैं, तो मेमोरी है बट कंटिग्यूस नहीं है। तो इस मेमोरी होते हुए भी हम इसको अलोकेट नहीं कर पा रहे हैं, तो इसे बोलते हैं एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन तो नहीं आ रहा है क्योंकि प्रोसेस की साइज़ और पार्टीशन की साइज़ सेम थी, लेकिन एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर मेमोरी है लेकिन स्कैटर्ड है, एट डिफरेंट लोकेशन पे है, तो उसकी वजह से मेमोरी होते हुए भी हम प्रोसेस जो इस साइज़ की आ रही है, मेमोरी होते हुए भी हम इस प्रोसेस को मेमोरी एलोकेट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन है। जब भी मेमोरी वेस्टेज हो रहा है, अवेलेबल है बट एलोकेट नहीं कर पा रहे हैं, तो मतलब फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, और इसमें क्या हो रहा है, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, क्योंकि अलग अलग जगह पे प्रोसेसेस हैं, किसी पार्टीशन के अंदर मेमोरी फ्री नहीं हो रही है, अलग अलग जगह पे मेमोरी फ्री है लेकिन हम उसको एलोकेट नहीं कर पा रहे हैं। नंबर ऑफ पार्टीशंस इन मेन मेमोरी इज नॉट फिक्स्ड एंड डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ इनकमिंग प्रोसेसेस एंड मेन मेमोरी साइज। तो यहाँ पर वेरिएबल इसको क्यों बोल रहे हैं पार्टीशनिंग स्कीम, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टीशंस फिक्स नहीं है, हम पहले से ही इसको डिवाइड नहीं कर रहे हैं पार्टीशंस में। यहाँ जैसे जैसे प्रोसेसेस आती जाएंगी और जो भी साइज ऑफ प्रोसेस होगी, जितनी भी नंबर ऑफ प्रोसेस होंगी उसके अकॉर्डिंग पार्टीशंस बनते जाएंगे। एडवांटेजेस क्या है, नो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, नो अनयूज्ड स्पेस लेफ्ट इन द पार्टीशन एज साइज ऑफ पार्टीशन विल बी इक्वल टू प्रोसेस साइज। तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन नहीं होगा क्योंकि साइज ऑफ पार्टीशन किसके इक्वल होगा, प्रोसेस साइज, इसीलिए इंटरनल फ्रेगमेंटेशन नहीं आएगा जो फिक्स्ड पार्टीशनिंग में आ रहा था। नो रिस्ट्रिक्शन ऑन डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपने पांच पार्टीशन बने तो पांच ही मेमोरी में पांच पार्टीशन है, जैसे फिक्स्ड पार्टीशनिंग में क्या हो रहा था, पांच पार्टीशन बनाया तो आप पांच प्रोसेस ही स्टोर कर सकते हो मेन मेमोरी में, लेकिन यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ प्रोसेस ही अलग अलग पार्टीशन बनेंगे,
तो जितने पार्टीशंस बनेंगे उतनी डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग होगी। तो यहाँ फिक्स्ड नहीं है, नो लिमिटेशन ऑन द साइज ऑफ प्रोसेस एज देयर आर नो फिक्स्ड साइज ऑफ पार्टीशन। फिक्स्ड पार्टीशनिंग में क्या हो रहा था, पार्टीशन की साइज अगर 100K रखी है तो प्रोसेस की साइज 100K ही होनी चाहिए तभी वो इसमें स्टोर हो पाएगा। तो जो साइज ऑफ प्रोसेस थी वो किससे लिमिटेड थी, साइज ऑफ पार्टीशन। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, जितनी भी प्रोसेस की साइज होगी उतनी साइज का पार्टीशन बन जाएगा। तो इसीलिए क्या कह रहे हैं, नो लिमिटेशन ऑन दी साइज ऑफ प्रोसेस एज देयर आर नो फिक्स्ड साइज ऑफ पार्टीशंस। नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस क्या हैं, डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट एज इट इन्वॉल्व्स एलोकेशन ऑफ मेमोरी ड्यूरिंग रन टाइम नॉट ड्यूरिंग सिस्टम कॉन्फिगर। तो इसको इम्प्लीमेंट करना डिफिकल्ट होगा क्योंकि रन टाइम पे इसको पार्टीशन किया जा रहा है, जबकि फिक्स्ड पार्टीशनिंग में क्या हो रहा था, जब सिस्टम कॉन्फिगर करते हो या बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस हम क्या करेंगे, मेमोरी को फिक्स्ड साइज में डिवाइड कर रहे, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन ईजी था, इसका डिफिकल्ट है क्योंकि इसमें रन टाइम में पार्टीशन हो रहा है। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, एज इन अबो फिगर प्रोसेस ऑफ 850K कैन नॉट बी एलोकेटेड इन मेन मेमोरी बिकॉज प्रोसेस मस्ट बी कंटिन्यूसली प्रेजेंट इन मेन मेमोरी टू गेट एग्जीक्यूटेड इन कंटिग्यूस मेमोरी एलोकेशन मैथड। बट हेयर 60 + 840 900K मेमोरी इज अवेलेबल बट एट नॉन कंटिग्यूस लोकेशन। सो मेमोरी इज अवेलेबल बट कैन नॉट बी एलोकेटेड, हैंस इट रिजल्ट इन एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। तो 850K की मेमोरी नहीं आ पाई थी क्योंकि हम कंटिग्यूस मेमोरी एलोकेशन मेथड पढ़ रहे हैं, और कंटिग्यूस मेमोरी एलोकेशन क्या कहता है कि प्रोसेस को कंटिग्यूस मेमोरी एलोकेट करनी है, कॉन्जिक्यूटिव ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी एलोकेट करनी है। लेकिन यहाँ पर कंटिग्यूस ब्लॉक्स थे ही नहीं, 60 और 850 का था जो अलग अलग प्लेस पे था, तो हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि कंटिग्यूस ब्लॉक में प्रोसेस को डिवाइड करके अलग अलग जगह स्टोर करें, ऐसा नहीं कर सकते, उसे कॉन्जिक्यूटिव ब्लॉक्स ही चाहिए होंगे। तो मेमोरी है लेकिन नॉन कंटिग्यूस लोकेशन पे है, इसीलिए हम उसको नहीं एलोकेट कर पा रहे। तो मेमोरी होते हुए भी हम प्रोसेस को एलोकेट नहीं कर पाए, इसीलिए यहाँ पर क्या आ गया, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन।